हेलो एवरीवन। तो मैं आज आप सबके लिए लेके आई हूँ बीन्स के पराठे की रेसिपी। तो ये बीन्स की मैंने पहले सब्जी बना ली थी, नॉर्मल जो हम सब्जी बनाते हैं। तो इसमें मैंने थोड़ा ओनियन भी डाला था, तो इसको मैं बेल लूँगी यहाँ पे। और इसको अच्छे से मैंने फिल किया था बीन्स से। और उसके बाद हम नॉर्मल पराठा बना लेंगे, जैसे हम आलू के पराठे बनाते हैं उस तरीके से। और इसको मैं सेक लूँगी। तो बहुत ही हेल्दी पराठा है ये, जो बच्चे सब्जी खाने के लिए नखरे करते हैं तो उसके लिए हम ये बना सकते हैं। तो हम इस तरीके से इसमें घी या ऑयल जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो लगा लेंगे, और उसको हम अच्छे से सेक लेंगे क्रिस्पी होने तक। तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी है और हेल्दी तो है ही है। तो ये आप देख लीजिए, इस तरीके से हमने ये बनाना है, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसमें बनाने में। तो ये पूरा हमने अच्छे से देखिए फिल किया था इसको। तो आप इसी तरीके से बनाइए और इन्जॉय कीजिए। तो आप इसको दही अचार के साथ खा सकते हैं। सो गाइस, मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि।